हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कुकिंग टाइम विथ अमिता में। माइक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, उसके बाद कढ़ाई चढ़ा लेंगे। अब इसी कढ़ाई में पानी डाल देंगे, बड़े कटोरी से एक कटोरी पानी। अब इसको गर्म होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक इसकी सामग्री हम तैयार कर ले रहे हैं। क्या क्या पड़ता है, 4 टमाटर ले लेंगे, 3 किलो लहसुन, ये हमारा 15 हरी मिर्च है और 3 लहसुन है। अब इन सबको हम बारीक काट लेंगे। काटने का तरीका ऐसे ऐसे हम काट लेंगे, ऐसे 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 सारे प्याज को हम ऐसे ही काट लेंगे। ये पानी गर्म हो गया है, अब इसमें हम माइक्रोनी डाल देंगे। माइक्रोनी को हम इसमें डाल देंगे। माइक्रोनी को हम इसी तरह छोड़ेंगे नहीं, इसको बार बार हम चलाते रहेंगे ताकि नीचे ये पकड़े नहीं। अब इसको हल्का पकाएंगे, इसको उबाल आने तक। इसको फिर से हम चला लेंगे ताकि ये नीचे कढ़ाई में चिपके ना। ये देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल नहीं चिपका है। ये देखिए, अभी इसको हम एक बार देख लेंगे गला है या नहीं गला। देख लीजिए, अभी थोड़ा सा और गलेगा ये, इसको हम ज्यादा गलाएंगे नहीं। ये देखिए फ्रेंड, ये माइक्रोनी हो गया है। देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया ना। ये देखिए, अब इन सबको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सबसे पहले गैस को ऑफ कर लेंगे। अब एक बड़ा सा प्लेट में इसको हम निकाल लेंगे। आप इसे कभी भी माइक्रोनी का आप निकालें, उसे बड़ा सा प्लेट में निकाले ताकि इसको सूखने में समय लगे, अच्छे तरीके से ये सूख जाए, अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखिए, इन सबको हम निकाल लेंगे। सारे माइक्रोनी को हम इसी तरह निकाल लेंगे। अब इन सबको तो हमने निकाल रखा, एक बड़े से कटोरी में इन माइक्रोनी को हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से एक पानी से हम धो लेंगे, ठंडे पानी से, ताकि माइक्रोनी ठंडा हो जाए और चिपके नहीं। पानी में मैंने रख रखा है, अब इस सबको हम निकाल लेंगे। पानी अच्छी तरीके से इसे निकाल देंगे। ये देखिए, ताकि थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं रहे। अब इन सबको हम एक प्लेट में फैला के डालेंगे ऐसे, ताकि ये अलग अलग ही रहे, एक दूसरे में चिपके नहीं। ये देखिए, सारे माइक्रोनी को मैंने निकाल रखा है कटोरी से। ये देखिए, अब इन सबको सारे हो गए ना। अब इन सब में थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल दूँ, 1 चम्मच के लगभग मैं इन सब में मैं सरसों का तेल डाल दूंगी। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने 2 भी रखा है सरसों तेल, ये बिल्कुल अब चिपकेगा नहीं। और सरसों तेल इसमें डाल देने से स्वाद लाजवाब होगा। ये माइक्रोनी बिल्कुल फेफड़े की तरह होता है।
देखिए इन सबको मैंने मिक्स कर रखा है, अब इसे साइड कर देंगे। तो लो जी फ्रेंड, ये हमारा सामग्री तैयार है। टमाटर को देखिए ऐसे मैंने काट रखा है, आप भी ऐसे काट लेंगे। ये रहा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, ये सबको मैंने। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, कढ़ाई को हम थोड़ा ज़्यादा गर्म करेंगे ताकि मैक्रोनी इसमें चिपके ना। अब इसमें हम तेल डाल देंगे, सरसों का तेल, या फिर आप जो तेल यूज करते हैं वो तेल आप डाल लेना। अब इसमें चुटकी भर जीरा, लहसुन जो हमने काट रखे थे इसे डाल देंगे। अब इसमें प्याज, अब इसमें हरी मिर्च, अब इन सबको हम भून लेंगे। हमारे भारतीय खाने का ये है कि थोड़ा चटपटा ना हो तो खाने का मजा नहीं आता है, कुछ खाने में स्वाद होना चाहिए। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे, जो टमाटर हमने काट रखे थे सारे टमाटर को हम डाल देंगे। ये हाफ टी स्पून लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता, सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है ताकि इसे कलर अच्छा रहे और स्वाद भी रहे मिर्च का। मैं डालने वाली हूँ थोड़े से धनिया पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर जीरा पाउडर। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ खाने के जहाँ नमक स्वाद अनुसार, 1.5 टी स्पून नमक। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे इसमें। फिर से हम चला लेंगे। इसमें मिर्च का मैंने यूज नहीं किया क्योंकि हरी मिर्च हमने इसमें डाल रखा है, ये खुद ही स्पाइसी और चटपटा सा हो जाएगा, है ना। यही मसाले को या टमाटर को पकाएंगे। इसे हम अब मीडियम फ्लेम कर देंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से हमारा पक जाए। अब इसमें मैं मैक्रोनी ऐड कर दूंगी। अब इन सबको हम चला लेंगे। अब इसमें 2 टी स्पून टमाटो केचप, इन सबको भी हम मिक्स कर लेंगे। इसको 1 सेकंड के लिए हम पकाएंगे इसी पे। अब हाई फ्लेम हम कर लेंगे। अब गैस मैं ऑफ कर दे रही हूँ।
तो लो जी फ्रेंड, ये हमारा माइक्रोनी, चटपटा माइक्रोनी बनके रेडी है। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये लीजिए गर्मा गर्म माइक्रोनी।